जुड़ा है, प्लीज आप अपना आइडेंटिटी रिवील कीजिए, नाम बताइए, अदरवाइज मुझे आपको क्लास को क्लास से हटाना पड़ेगा। मिस्टर राजपूत, व्हाट्स योर नेम? मिस्टर राजपूत, कैन यू हियर मी? ऑलराइट गाइस, वन बाय वन। मानस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट? आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? Now I am talking from a exploited society. Like already I am living in a remote area, so this problem are other people not suffering in their life. So I try to eradicate the exploitation problem like in block and district area. बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात बोली। आप एक बार बताइए, आप कहाँ से जुड़े हैं? आपकी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा अभी ग्रेजुएशन खत्म होकर मेरा एमबीए का सेकंड ईयर है, और मैं उड़ीसा से हूँ सर। उड़ीसा में कहाँ से जुड़े हो आप? उड़ीसा का भुवनेश्वर सर। भुवनेश्वर से, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कैलाश सिंह जी, आप प्लीज बताइए, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, और अपना प्रोफाइल बताइए। सर माय नेम इज कैलाश सिंह, आई एम मतलब सर हमारा एरिया जो है बैकवर्ड एरिया है, बहुत बैकवर्ड। कहाँ से जुड़े हो? मतलब हाथरस जंक्शन, हाथरस सिटी। हाथरस, हाथरस से? हाँ, माया नगर। ओके, हाथरस, ठीक है। हाथरस, कोई हाथरस बैकवर्ड कैसे है भाई? हाथरस तो बहुत बड़े बड़े पहुंचे पहुंचे बहुत पहुंचे हुए लोग हैं वहाँ पे, वहाँ से तो हाँ सर मानते हैं आपकी बात, तो मानते हैं कि बैकवर्ड आपको नहीं लगता, पर बट सर कुछ एरिया हाथरस का डेवलपिंग डेवलपमेंट है, और कुछ में डेवलपिंग है, खाली डेवलपिंग है पर डेवलपमेंट नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, समझ गया, कुछ चेंज नहीं है सर। आईएएस जो आता है, आईएएस क्यों बनना चाहते हो आप? सर मैं इसलिए आईएएस बनना चाहता हूँ क्योंकि कभी अगर आईएएस बना, अगर बन गया तो मैं पहले अपने एरिया को डेवलप कराना चाहूंगा, फिर सेकेंड आईएएस जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पोस्ट पे होगा उससे कंसल्ट करके या मीटिंग वगैरह करके जैसे भी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ कोई बच्चा जुड़ा है, BA5568। अपना नाम चेंज कीजिए प्लीज़, अपना अपना नाम मेंशन कीजिए प्रोफाइल पे, E83045D2। अपना नाम चेंज कीजिए प्लीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तेजल से। तेजल, व्हाई डू यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट? तेजल, हाँ डायरेक्ट अपडेट। हाँ तेजल, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आपका शायद माइक ठीक नहीं है। अमीशा सिंह, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? सर आई थिंक दैट दिस इज द ओनली जॉब इन विच आई कैन गिव माई 100%। अदर कंपनी जॉब, आई थिंक कंपनी जॉब डोंट सूट्स मी। ओके, कहाँ से जुड़े हो आप? आई एम फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ, ओके ग्रेट। आकांक्षा गुप्ता, मे आई नो योर प्रोफाइल एंड वेयर, कहाँ से आप जुड़े हैं और आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आकांक्षा जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आकांक्षा जी, ओके। अंजलि लवानिया, अंजलि लवानिया, कैन यू हियर मी? मिस्टर BA5568, जो भी आपका नाम है प्लीज अपना नाम, अपना नाम नाम डालिए, अपने अपने नाम बताइए अपना, आप नाम बताइए मुझे, नहीं तो क्लास के बाहर आपको करना पड़ेगा, इससे पहले मैं अपना सेमिनार शुरू करूं। अपना नाम बताइए आप, BA5568 प्लीज। बाय। शला डिस्कार्ड यू फ्रॉम द क्लास? ओके बाय। ओके ही इज गॉन। RAD, प्लीज अपना नाम बताइए। E83, जितने भी लोग हैं प्लीज अपना नाम बताइए। हाँ जी, क्या नाम है? RAD, क्या नाम है आपका? आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप सभी लोगों को जो जो क्वेश्चन है प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं रिगार्डिंग यूपीएससी, वन बाय वन आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। देन आप लोगों को मैं होप करता हूँ कि आप लोग यूपीएससी के बारे में सारी जानकारी होगी, आपको आपको पैटर्न की जानकारी होगी, आपको तमाम तरह की चीज़ों की जितने भी चीज़ें होती हैं जरूरत, अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिए। जो जो क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे मैं आपके वन बाय वन आंसर करता जाऊँगा। प्लीज़ गो अहेड, जो जो डाउट्स हैं प्लीज़ गो अहेड। अमीशा, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप सबसे पहले दिख रहे हो। हाँ जी सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ग्रेट। अमृता जी, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? अमृता जी, बसंत चौहान सर, हाँ कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बताइए, प्लीज बताइए।
दिस इज मेघा फ्रॉम गाजियाबाद. सर एक्चुअली आई एम हैविंग अ डाउट रिगार्डिंग हाउ लाइक फॉर व्हाट ड्यूरेशन वी नीड टू कवर आवर करंट अफेयर्स ऑन टेप एंड हाउ टू कवर दिस करंट अफेयर्स. ओके प्रोफाइल सर बिकॉज एटलीस्ट लाइक या ओके गो अहेड या बस सर दैट्स मच. आपका प्रोफाइल क्या है और कब से पढ़ाई शुरू करी हुई है आपने? सर आई एम इन द लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन. क्या चल रहा है ग्रेजुएशन में, कौन सा कोर्स चल रहा है? या सर सर बीए बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज. ठीक है, बहुत अच्छी बात. या एंड आपने पढ़ाई शुरू करने, देखो यार देखो सिंपल सी बात है, इस साल का जो करंट अफेयर्स थोड़ा सा आगे पीछे हो गया. इस साल हमें 1.5 ईयर के करीब करीब जो हमारे बच्चे इस टाइम पेपर दे रहे हैं वो 1.5 ईयर का दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पेपर जो है 4-5 महीने आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था ड्यू टू कोविड-19. फाइन, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करने हैं, सपोज करिए कि जिस साल आप अपीयर कर रहे हैं, लेट्स से 2021 में अगर आप अपीयर कर रहे हैं, तो उसके एक साल पहले एक जून से लेके आप अपने पेपर से कुछ दिनों पहले तक आप इसको जो है मतलब कवर कर सकते हैं. और करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स दो तरीके से होते हैं. देखिए पहली चीज ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स एक तो होगी न्यूज़ होगी, ठीक है, जिसके अंदर पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, इकोनॉमिकल न्यूज़ होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस होगे, तमाम तरह की न्यूज़ होगी, ठीक है. ये आपको सप्लीमेंट करेगा आपको फिल्म्स के अंदर, ठीक है, ये फिल्म्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा. बट वहीं जहां हम एडिटोरियल की बात करते हैं या संपादकीय जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर हम एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है आपकी आंसर राइटिंग डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, आपकी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ाता है, आपको आपको कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी समझने की क्षमता बढ़ाता है. और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर क्या होती है कि ये आपको आंसर्स देता है. क्योंकि जब आजकल जो ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, पेपर 2 और पेपर 3 जिसके अंदर पॉलिटिक गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल जस्टिस है, और जो पेपर 3 है GS3 है जिसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंटल साइंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये दोनों पेपर कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं. तो अगर आप सीरियसली चाहते हो कि पेपर क्वालिफाई करें, तो दो चीज़ों की आपकी आपकी जो होनी चाहिए, जो दो चीज़ों में आपकी जो क्या बोलते हैं पकड़, जिसको बोलते हैं पकड़, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो एडिटोरियल्स हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, ठीक है. ज़्यादा अच्छा है कि सेक्शन वाइज बना बना के अगर उसको खुद से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अपने नोट्स इंसान सबसे तेजी से पढ़ पाता है, ठीक है. क्लियर है मेगा? एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? किसी और के पास कोई सवाल है यूपीएससी को लेके, कोई भी डाउट हो ऑप्शनल को लेके, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को लेके? हाँ बताइए, कौन कौन बात कर रहे हैं? सर कैलाश सिंह, आई एम कैलाश. हाँ हाँ कैलाश सिंह जी, बताइए क्या सर, क्या सवाल है आपका? मुझे प्रीलिम्स में सर ये पूछना है, जैसे प्रीलिम्स पास आउट किया, ठीक है, मेंस में कोई बच्चा रह गया, तो उसका प्रीलिम्स अगले साल को दोबारा होगा? कॉलेज का यार, कॉलेज का पेपर थोड़ा ना है कि अगर आपके एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाए तो खाली वही पेपर दोबारा देना है. नहीं, अगर आप फिल्म्स में क्वालिफाई करते हो, मेंस क्वालिफाई नहीं करते हो, इनफैक्ट किसी भी स्टेज में फिल्म्स, मेंस और इंटरव्यू में किसी भी स्टेज में अगर आप फेल होते हो या फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो अगली बार जो है आपको वो चीज़ पूरा साइकिल घुमाना पड़ेगा दोबारा, पूरा साइकिल जो आपका पूरा घुमाना पड़ेगा. क्लियर हो गया? ओके सर. एनी मोर क्वेश्चंस गाइस, प्लीज गो अहेड. मानस, एक मिनट, वन बाय वन मानस गो अहेड. प्रथम मैं आपके पास आता हूँ. हाँ जी बताइए सर. हम जो जब जब सुबह में सर हिंदू पढ़ना शुरू करते हैं, बताओ तो जीएस को सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो GS1 हो गया या GS2, ऐसे सर कैसे? देखिए गाइस, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मानस ने, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा हिंदू की जगह इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए आप लोग, ठीक है. हिंदू की जगह एक्सप्रेस क्यों पढ़ूंगा, मतलब मैं पहला टीचर हूँ जो इस तरह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हिंदू देख रहा हूँ, हिंदू में बहुत लेफ्ट न्यूज़ आ रही है और एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म है, तो एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म इज़ नॉट गुड फॉर अस. हमें एक न्यूट्रलिटी डेवलप करनी है सबसे पहले. तो मैं आप लोगों को पहले बोलूँगा कि आप लोग एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं. एक्सप्रेस इज़ ए कंपैरेटिवली माइल्डर न्यूज़पेपर एंड बहुत अच्छी न्यूज़ आती है उसके अंदर भी, ठीक है. और इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ दो मैगजीन आपको बहुत ज़रूरी पढ़नी है, योजना एंड कुरुक्षेत्र. अगर आप लोगों के सिस्टम, आप लोगों के गांव में, आप लोगों के घरों में, आप लोगों के शहरों में अगर ये मैगजीन नहीं आती है प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप लोग एक काम करिए, इसकी ऑनलाइन कॉपी मिल जाती है योजना की वेबसाइट से और कुरुक्षेत्र की वेबसाइट से, ठीक है. मानो सुनिए पूरी बात, ठीक है. योजना जो होती है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए होती है, और कुरुक्षेत्र जो होती है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए होती है. तो इसके अंदर छपे हुए लगभग एक मैगजीन के अंदर करीब 10-12 आर्टिकल्स होते हैं.
सारे आर्टिकल्स हमारे लिए जरूरी नहीं होते हैं, हाँ, पर दो तीन बार पढ़ोगे, तीन चार बार आप पूरी पूरी मैगजीन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, अपने आप वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस के साथ डेवलप हो जाती है। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, बता दूंगा कैसे पढ़ना है योजना कुरुक्षेत्र को, ठीक है। अब आपने मेरे से सवाल पूछा कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो देखिए कोई भी न्यूज़, अब मैं GS1 की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है हमारे साहब ने, बहुत मेच्योर सवाल पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले GS1 की बात करते हैं, GS1 में हमारे पास क्या क्या आता है, GS1 में हमारे पास आता है हिस्ट्री, हमारे पास ज्योग्राफी और सोसाइटी, तीन 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 मॉड्यूल्स हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करें तो हमारे पास एंशियंट इंडिया, हमारे पास है अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, सारी की सारी जो है आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं, स्टैटिक होती हैं, ठीक है। स्टैटिक चीज़ें जनरली चेंज नहीं होती, बट सपोज कीजिए आर्ट एंड कल्चर में से देखा गया कि न्यूज़ जो है करंट अफेयर्स उठ के आ जाती है, तो अगर कोई गवर्नमेंट किसी तरह की आर्ट या किसी तरह की बुक को सेलिब्रेट कर रही है, किसी तरह के लिटरेचर को सेलिब्रेट कर रही है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो हमारे आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं होती है, सोसाइटी में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं होती है, सोशल जस्टिस में जरूर होती है, पर वो पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं पेपर 2 पे, पेपर 2 GS का जो होता है बच्चों, उसके अंदर आपको जो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको मिलती हैं उसके अंदर पॉलिटी होती है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना पड़ता है, गवर्नेंस पढ़ना पड़ता है, गवर्नेंस मतलब कि हाउ गवर्नमेंट इज गवर्निंग द कंप्लीट सिस्टम टू हैंडल ह्यूज पॉपुलेशन लाइक अस, ठीक है। देन वी हैव सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कोई भी न्यूज़ जो ऑन गोइंग है, याद रखना, कोई भी न्यूज़ जो ऑन गोइंग है, जैसे कोई समिट चल रहा है, कोई हमारे विदेश मंत्री कोई विदेश मंत्री हमारी कोई बैठक कर रहे हैं, ठीक है, और बैठक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बैठक करने के बाद जो है बैठक चल रही है, तो जब तक बैठक चल रही है तब तक हमारे लिए काम का नहीं है, जब बैठक कंक्लूड हो जाएगी तो उस बैठक से क्या निकला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिल जब तक डिस्कशन में है, कोई भी कानून, जैसे अभी हम लोगों ने राज्यसभा में एग्रीकल्चर वाला बिल पास किया है, PMC को चेंज किया हम लोगों ने, तो ये जब पास हो गया, जब ये हमारे गजेट में, जैसे हमारे गजेट ऑफ इंडिया पब्लिश हो गया, हमारे हमारे स्टैट्यूट बुक में, हमारे कानून की बुक में आ गया, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर उसके पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कोई न्यूज़ ऐसी जो कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है, सपोज करिए जनधन योजना अभी फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन में हमारा मतलब नहीं है, पर जब तक फॉर्म होकर वो बिल एक कानून का रूप ना ले रहे तब तक हमारे काम का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में कंसिडर करनी चाहिए, और जैसे जैसे न्यूज़ आती जाए वैसे वैसे उन सेक्शन उस न्यूज़ों को अपने अपने पर्सनल कॉपीज के अंदर उसको आप ऐड करते चले जाइए, ठीक है। आप देखेंगे कि 6 महीने 7 महीने में आपके पास बहुत सारा क्वालिटी का मटेरियल हो गया है, क्योंकि अगर आप कोई भी मैगजीन किसी भी कोचिंग सेंटर की उठाते हैं तो एक मैगजीन 200-250 पेज की होती है, तो 12 महीने कितने हो गए, 3000 पेजेस की। अगर हम एक एक पेज पे भी 4 न्यूज़ समझते हो तो हमारे पास कितने हो गए, 12,000 न्यूज़ हो गए। तो आप लोग रजनीकांत हो, 12,000 न्यूज़ आप लोग रजनीकांत हो, रजनीकांत तो नहीं होना यार, मैं रजनीकांत से मतलब है कि आप लोगों का इतनी ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त मेमोरी है कि 12,000 न्यूज़ को आप कंप्रेहेंड करके आपको उस पर क्वेश्चन पूछो आप जवाब दे पाओ। तो सिंपल सी बात है, अपना न्यूज़ कलेक्शन अलग होना चाहिए। आप लोग जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते चले जाओगे UPSC के अंदर, वैसे वैसे आपका क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और धीरे धीरे करके आपका आइडेंटिफिकेशन करना आ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। करेक्ट है, इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मानस, नेक्स्ट क्वेश्चन जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए सर, ये आपने जो अभी मैगजीन्स के बारे में बताया तो सर इसमें प्रतियोगिता दर्पण क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए मैडम, प्रतियोगिता दर्पण जो है बहुत पहले इम्पोर्टेंट हुआ करती है। आप कहाँ से बात कर रही है रीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं भोपाल से बात कर रही हूँ। भोपाल से बात कर रही है, अच्छा CISF, शायद आपसे मेरी बात हुई है जी सर। ओके, आप मुझे याद आ गया, ठीक है। तो रीता जी देखिए, प्रतियोगिता दर्पण जो है वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण एक बहुत शानदार मैगजीन रही है थ्रू आउट द एजेस, मतलब हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी उससे पढ़ पढ़ गए, सरकारी नौकरी उन लोगों ने पढ़ी, ठीक है। काफ़ी पुरानी मैगजीन है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बट UPSC में उस तरह की न्यूज़ जो है जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया, करंट अफेयर्स 2 तरीके से आता है। करंट अफेयर्स एक तो आएगा कि आपका जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, दूसरा आपका आएगा विद रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन। और जो मेंस एग्जामिनेशन वाला जो आपका रहेगा वो बेसिकली एडिटोरियल से निकलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी न्यूज़ का एक एलैबोरेटेड फॉर्म होगा जो कि प्रतियोगिता दर्पण एड्रेस नहीं कर पाएगी, या कोई भी ऐसी मैगजीन एड्रेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब तक प्रतियोगिता दर्पण में बेसिकली क्या होता है, न्यूज़ को जो है पॉइंट्स में करके छाप दिया जाता है, ना उसका बैकग्राउंड बताया जाता है, ना उसका फोरग्राउंड बताया जाता है, ना 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 उसका बेस बताया जाता है,
तो जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी नौकरियों में यही फर्क है। जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, जब हमें चाहिए होता है कि हम आईएएस बने, तो हमें बहुत सोचना पड़ता है और लिखना पड़ता है। बाकी सारे आप पेपर उठा के देख लो, यूपी दिल्ली मतलब कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, बी सी डी कैटेगरी के सब में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप अगर याद करके जाओगे तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। यूपीएससी और स्टेट मतलब आईएएस की नौकरी एक इकलौती ऐसी नौकरी है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलती है कि म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आईएएस की नौकरी इकलौती ऐसी नौकरी है जहाँ पे आपको जो आपको सोचना सिखाती है, क्योंकि कल को जाके जब आप लोग आईएएस बनोगे, जब आप इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड करोगे, जब इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड करोगे तो क्या होगा, इसमें आपको क्या को आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी। डिसीजन मेकिंग कब कर पाओगे, जब आपके पास थिंकिंग माइंड होगा, और थिंकिंग माइंड नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए रीता जी, क्लियर हो गया रीता, ठीक है। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम अंश जी से बोल रहा हूं। सर कहां से बात कर रहे हो बेटा? सर रांची से बोल रहा हूं। बताओ बेटा। सर कंफ्यूजन ये मेरे को सर मेंस में क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? आपका 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 बैकग्राउंड क्या है, आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में है? सर मैंने एमबीए बीबीए किया सर। बीबीए किया, एमबीए किया, कहां से किया है? सर रांची से, उषा मार्टिन एकेडमी से। ओके, रेगुलर 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 थी ये? यस सर। आपके दिमाग में कौन-कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं? सर मेरे को एक फैकल्टी ने कहा कि आप हिंदी ले सकते हो या फिर हिस्ट्री ऐसे ले सकते हो। उस फैकल्टी का प्रोफाइल क्या है, कभी उन्होंने पेपर दिया है? सर वो इसमें सर सिविल सर्विसेज का तैयारी करवाते हैं सर हिंदी सब्जेक्ट से, तो इसीलिए उन्होंने हिंदी आपको सजेस्ट किया है, पहली चीज ठीक है। आप एक बात बताओ अंश, आप बीबीए एमबीए हो, आप जाके हिंदी 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 लिटरेचर को जस्टिफाई कैसे करोगे? आपके एजुकेशन इंग्लिश में हुई है, आप हिंदी लिख पाते हो? आपको 6 महीने लग जाएंगे इसके अंदर। आपको यार, आप सारे बच्चों के साथ मुझे दिक्कत समझ में नहीं आती, आप सभी लोग इतने इतने क्वालिफाइड हो, इतने स्मार्ट हो, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, लैपटॉप्स यूज़ करते हो, तमाम तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करने में क्या बुराई है? अरे भैया एक बात बताओ, आपको एक नई लैंग्वेज सीखने, हिंदी में नहीं कहता कि सीखनी पड़ेगी, पर जब आप हिंदी लिखोगे ना तो वो हिंदी वो वाली हिंदी नहीं होगी जो हिंदी आप हम और आप जो बात कर रहे हैं। क्लियर है अंश? और हिस्ट्री yes. हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री हिस्ट्री लिटरेचर हिस्ट्री से मैंने खुद फॉर यू काइंड मैं अपना प्रोफाइल बता दूं, मैंने जो है हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी से मेंस लिखा था 2012 का, इंटरव्यू तक पहुंचा था और हिस्ट्री मेरे मार्क्स कम रह गए थे। दूसरी चीज़, उसमें मैंने क्या सोचा कि मैं हिस्ट्री चेंज करके मैं हिंदी लिटरेचर लूंगा, मेरे साथ भी ये हुआ था, तो मैंने हिंदी लिटरेचर पढ़नी शुरू कर दी थी अंडर डॉक्टर विकास देवे के थी दृष्टि वाले सर के अंडर। बट उस टाइम क्या हुआ, मैंने 2 महीने पढ़ी थी, इतने में पैटर्न चेंज हो गया था और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया था, इसलिए मैंने हिंदी को छोड़ दिया था और एंथ्रोपोलॉजी को कंटिन्यू किया था। तो आप ये बात समझिए अंश, सिंपल सी बात है, आपने बीबीए एमबीए कर रखी है, आपके सारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप मैनेजमेंट क्यों नहीं ले रहे हो? मैनेजमेंट तो बहुत शानदार नंबर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2-4 न्यूमेरिकल आते हैं, कर दोगे तो बहुत अच्छे नंबर खींच जाओगे। आपको आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, पर जीएस में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट आपको कहीं और हेल्प नहीं करेगा, मैनेजमेंट बस आपको आपको हेल्प करेगा एथिक्स के अंदर, जहाँ पे एथिक्स मैनेजमेंट इन एथिक्स वाला सेक्शन आएगा, बस वहीं पर हेल्प करेगा। आप समझ रहे हो अंश मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir, अब हिस्ट्री के बारे में आते हैं। हिंदी लिटरेचर में मैं बताता हूँ, हिंदी लिटरेचर में जो है पद्यांश गद्यांश दोनों पढ़ना पड़ता है, एक को हम बोलते हैं लिटरेचर, एक को बोलते हैं कविताएं, ठीक है। तो तमाम तरह के इसके अंदर जो है राइटर्स हैं, महादेव वर्मा है, आपके मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसके अंदर प्रेमचंद पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर रामधारी सिंह दिनकर पढ़ने पड़ेंगे, तमाम तरह के राइटर्स को पढ़ना पड़ेगा और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं जो कि बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं, ठीक है। मैं हिंदी का खुद से बहुत बड़ा फैन हूँ, तो बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना, जब आप इसको करने जाओगे तो आप जब लिखोगे तो आपको लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हिंदी लिटरेचर के आंसर राइटिंग को टेस्ट करने के लिए मुझे लगता नहीं कि क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास होती है। तो अब आते हैं हिस्ट्री पे गाइस, और कोई बच्चा हिस्ट्री लेने की सोच रहा है? कोई और आप जो इस टाइम अवेलेबल है लाइव क्लास में, कोई और लेने की सोच रहा है? Yes, हाँ. अमृता सिंह जी, आपका अमृता जी आपका बैकग्राउंड क्या है? अमृता जी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप हिस्ट्री लेने की सोच रहे हो? सर फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट है, कहाँ से? सर बीए किए हैं। कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से, कहाँ से बात कर रहे हो? सर सोनभद्र। कहाँ से बात कर रहे हो आप, कहाँ से जुड़े हो आप? सर बनारस से। कहाँ से? आपकी आवाज बहुत कट, ओके आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, पर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि आपने जो है फाइन आर्ट्स में जो है बीए किया हुआ है और आप जो हिस्ट्री लेना चाहते हो। गाइज हिस्ट्री पे अंश कहाँ पर हो, अंश हो क्लास के अंदर, कहाँ पे हो? वहाँ दिख गए अंश, एक बार मेरा कैमरा ऑन कर दो यार प्लीज, अंश कैमरा ऑन कर दो, मैं ब्लैक स्क्रीन से वैसे बात करूंगा, मुझे बड़ा अजीब लगता है ब्लैक स्क्रीन से बात करना, ठीक है। हाँ जी अंश जी, तो हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में अंश जी ये होता है कि
हिस्ट्री में चार सेक्शन है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो है आप हर एक चैप्टर में पीएचडी कर सकते हो। हिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो आपका वो होता है क्या नाम है, जो आपका जो माइंडसेट होता है, सपोज करो कि आपने भगत सिंह के बारे में लिखा कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, बट कई किताबें ये भी बोलती हैं कि वो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट इन नेचर हो जाएगा। आप भी सही हो, आपका एग्जामिनर भी सही है, पर नंबर आपके कट जाएंगे। आप एक आप कॉमन सेंस की बात है, BBMBA कर रखिए, आँख बंद करके मैनेजमेंट लो। मैनेजमेंट के बारे में जो भी गाइडेंस चाहिए हो आप मेरे से फ़ोन पर ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट का सिलेबस आप देखो, आप बोलोगे यार मुझे आधी चीज़ें तो वैसे ही आती हैं, ठीक है। थोड़ी मेहनत आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना पड़ेगा, कॉस्टिंग में करना पड़ेगा, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए नहीं बोलता छोड़ने के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर फेच करके देते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर फेच करके देते हैं। अग्री करते हो उस चीज़ को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर सर उसमें ऑप्शनल में सर अगर इकोनॉमिक्स ली जाए तो? बात करें कैलाश, यस सर बिल्कुल मत लेना। इकोनॉमिक्स जो है मैं बताता हूँ क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक हो जाता है। जो इकोनॉमिक्स हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक्स हम UPSC के लिए तैयार करते हैं, वो बहुत तेज़ी से बदलती है, और आपको जो है बहुत तेज़ी से आपको 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 अपडेट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स मैं सजेस्ट नहीं करता। आपका बैकग्राउंड क्या है कैलाश, ये बताओ, एजुकेशन बैकग्राउंड? सर मेरा बैकग्राउंड सर 12th में तो मेरे पास वही थी कॉमर्स, अब मैं BCom कर रहा हूं। कर रहा ना मैनेजमेंट देखो, हाँ सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा ठीक है। देखो अकाउंटेंसी देखो, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी पेपर तैयार हो जाएगा। और कोई भी हेल्प चाहिए मैनेजमेंट को लेकर तो बताना, हमारे पास बहुत शानदार नोट्स हैं इसके। सर दोनों बढ़िया है मेरे, ये तो ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है अभी क्लास के बाद में नंबर दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कल परसों में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर, जियोलॉजी? एक मिनट, कौन बोला जियोलॉजी? एक मिनट, पहले प्रथम का क्वेश्चन ले लें, तो प्रथम काफी देर से क्यों है। हाँ मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ सर जो उड़ीसा में बोल रहा हूँ। कहाँ सिद्धार्थ, कहाँ पर हो आप, मुझे दिख नहीं रहे। एक मिनट सिद्धार्थ एक मिनट ठहरो, पहले मुझे प्रथम से बात करने दो, मैं आपके पास भी आता हूँ। प्रथम गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। सर आई हैव परसुएडेड माय प्लस 2 फ्रॉम CBSE बोर्ड एंड प्लान फॉर UPSC CSE एग्जाम। सर हाउ कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन? 12th में क्या था, बायो थी? नहीं सर, 12th में कॉमर्स थी ना। तो देखो यार सिंपल सी बात है, जब तक आप पेपर दोगे, एज कितनी है आपकी अभी एग्जैक्टली? 18 हूँ। तो 3 साल बाद के लिए जो है पहली बात ऑप्शनल को टच मत करना अंटिल 2022, पहली चीज, ठीक है। पहला सजेशन, क्योंकि BS बासवान कमेटी की रिपोर्ट जो है टेबल पे है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो शायद हो सकता है कि ऑप्शनल का पेपर स्क्रैप कर दिया जाए, उसकी जगह 2 GS के पेपर या फिर कुछ भी नया इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पहली चीज, ठीक है। तो 2022 तक आपको स्ट्रिक्टली जो है ये चीज़ नहीं करनी है। पहले साल में आपकी प्रिपरेशन को 3 साल में डिवाइड कर दो। पहला साल आपका होना चाहिए NCERT जो है तरीके से तैयार हो जानी चाहिए। NCERT में ये नहीं कि सारी NCERT पढ़ा ली आपने, सिर्फ आपको पढ़नी है सिविक्स की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, क्लास 6 से क्लास 12 तक की, ठीक है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमिक्स 9 से 12 तक की। उसके बाद जो पढ़ना है सोशियोलॉजी पढ़नी है 11 12th की, ठीक है। और खाली पढ़ना नहीं है, प्रथम याद रखना, पढ़ के नोट्स बनाने हैं। तो पहले साल में आपके पास ये काम है। दूसरा काम क्या होगा पहले साल के अंदर, आपको मैप अपने बड़े स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो मैप है वर्ल्ड का, इंडिया का जो मैप है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप बेसिक किताबों को आप टच करेंगे। सेकंड ईयर में अपने GS के बेस को बनाएंगे आप, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन तरह के सब्जेक्ट्स को जो है थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे अलॉन्ग विद नोट्स। एंड अगर उसके बाद 2022 में अगर ऑप्शनल रहता है तो फिर आप ऑप्शनल की तैयारी करेंगे। कुछ इस तरीके से आपकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हो आप? कहाँ से? रोहिणी स्कूल से पास आउट हूँ, विकास भारती से, सेक्टर 24 वाले से। और रोहिणी में रहते कहाँ? आपका नेबर था कभी किसी टाइम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सिद्धार्थ पूछ रहे थे, सिद्धार्थ पूछो। सर जियोलॉजी में कैसे करेंगे? सर मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ ओडिशा से, मैं BSc किया जियोलॉजी में। किया, आंख बंद करके ले लो, आंख बंद करके ले लो। देखो ज्योग्राफी जियोलॉजी में फर्क क्या होता है, ज्योग्राफी बहुत वास्ट होती है, जियोलॉजी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक है। जियोलॉजी मतलब एक्जैक्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्थ साइंसेस। और आपका BSc है तो आपको UPSC इंटरव्यू में जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। जियोलॉजी आपका बहुत प्यार से आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा। साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है तो नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तरीका सीधा तरीका बता रहा हूँ, इसको किसी पेन पेपर पर नोट कर लो। तरीका ये है कि पिछले 5 साल के या 6 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, पिछले 5 साल या 6 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो। क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे आपको? upsc.gov.in पे, UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्लियर है। पिछले 5 साल या 6 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो और साथ में सिलेबस रखो, सिलेबस को पूरा ब्रेक डाउन कर दो, पूरा ब्रेक डाउन कर दो सिलेबस को,
और उसके बाद एक एक टॉपिक को करते चलो, ठीक है? जो जो टॉपिक होता जाए उन पे कलर कोडिंग करते चलो। कलर कोडिंग आपने फिजिक्स पढ़ी थी 11th क्लास में, 12th क्लास में सिद्धार्थ? तो yes, फिजिक्स में हम लोग रजिस्टर में कलर कोडिंग करते हैं, याद है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन रजिस्टर्स पढ़ा होगा। yes, तो उसी तरह से कलर कोडिंग कर दो कि यार ये लाइट ग्रीन वाला हो गया, ये डार्क ग्रीन वाला नहीं हुआ, ये रेड वाला बिल्कुल नहीं हुआ। तो उसकी उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करता चलो। और ज्यादा अच्छा जाएगा कि अगर आप अगर ये काम आप कंप्यूटर की मदद से एक्सेल शीट पे करोगे तो, ठीक है सिद्धार्थ? और अगर इसके बारे और अगर डेप्थ में जानना है जियोलॉजी के बारे में तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं अभी नंबर थोड़ी देर में आपको दे दूंगा, ठीक है? हाँ जी सर, एक डाउट थी सर, आंसर राइट कैसे प्रैक्टिस करना? आंसर राइटिंग के लिए सर आंसर राइट कैसे प्रैक्टिस करना है? देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आंसर राइटिंग में यहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्लास 12th के भी हैं, ग्रेजुएशन के भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं। तो आंसर राइटिंग हर एक के लिए अलग तरीके से प्रैक्टिस होगी, पहली चीज। और आंसर राइटिंग इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना आप लोग यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो नहीं। आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितनी मर्जी पोथियां पढ़ लो, पर जब तक आप जो है आप पूरा का पूरा ये नहीं पढ़ लेते, जब तक आप पूरा पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक आप जो है क्वालिफाई नहीं कर सकते पेपर। तो आंसर राइटिंग के लिए क्या करना होता है, देखो आंसर राइटिंग बेसिकली क्या होता है, आंसर राइटिंग के लिए मैं एक और सेमिनार लगाने की सोच रहा हूँ बहुत जल्दी, उसमें आप सभी बच्चों को आंसर और ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगा। पर मैं एक जिस्ट बता देता हूँ सिद्धार्थ, होता क्या है कि जब भी कोई हम आंसर लिखते हैं ना तो हम लोग कैसे आंसर लिखते हैं, हमारे कॉलेजेस में क्या सिखाया जाता है? आप में से कितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर आप लोगों ने अपने कॉलेजेस में शीट भर भर के नंबर लिए हैं? आप एक बार अपना हैंड रेज करिए। ये शब्द आप लोगों को लाइफ में कभी सुनने को मिला है कि ज्यादा शीट भरोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे कॉलेज में? बहुत 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 नो सर, टॉपिक वाइज लकी हैं आप, सौरभ सैनी ने हाथ उठाया। ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये हमारे कॉलेजों के अंदर मानसिकता चली आ रही है कि जितनी सीटें भरोगे उतने नंबर मिलेंगे, इस तरह की एक मानसिकता चली आ रही है, ठीक है? हालांकि ऑफिशियली अप्रूव्ड, सॉरी फॉर इंटरप्ट सर, साइंस बैकग्राउंड में ओनली ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट बेसिस पे ही नंबर मिलता है। बीटेक वाले भी साइंस वाले ही होते हैं, और बीटेक वाले क्या करते हैं आपको पता नहीं है? बीटेक वालों बीटेक के अंदर इवन एमबीबीएस के अंदर हमारे मेरे पास स्टूडेंट्स एमबीबीएस, मेरे पास एमबीबीएस करे हुए स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास पीएचडी करे हुए स्टूडेंट्स हैं, आगरा यूनिवर्सिटी का पीएचडी है, हमारे पास मैनेजमेंट्स हैं, उन सभी का मानना यह है कि आप ज़्यादा शीट भरो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट हमें जो है ये क्वालिफिकेशन अपनी या ये हमारी जो हैबिट है, इस हैबिट को हमें चेंज करना है बच्चों, ठीक है? यूपीएससी टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है और वो आपसे बोलता है कि आप हमें टू द पॉइंट आंसर दो। टू द पॉइंट आंसर का मतलब समझते हो? जैसे कि अभी रीता जी बोल रही हैं, बिल्कुल जो चीज पूछी गई है उसको आंसर लिख दो। दूसरी बात, आंसर को तीन पार्ट में डिवाइड करना होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, ठीक है? इंट्रोडक्शन जो होती है चार पांच लाइन, सॉरी इंट्रोडक्शन जो होता है वो चार पांच लाइन का होता है, और इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग क्या बताते हो कि वो जो चीज आपसे पूछी गई उसके बारे में आप इंट्रोड्यूस करते हो। बॉडी के अंदर उसको आप डिस्कस करते हो कि यार हाँ ये चीज क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है, एलुसिडेट पूछता है, वो एक्सप्लेन पूछता है, एलैबोरेट पूछता है, क्रिटिसाइज पूछता है, क्रिटिकली क्रिटिसाइज पूछता है, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज, तमाम तरह के कीवर्ड्स हैं यूपीएससी के अंदर, तो उसको डिस्कस करेंगे। और कंक्लूजन पे हमें उसे कंक्लूड करते हुए एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना होता है। तो दिस इज द वे वी गो फॉर आंसर राइटिंग, ठीक है? अब ये आंसर राइटिंग हर एक लेवल पर अलग होगी। जो बच्चा 12th पास होगा उसका जो आंसर की क्वालिटी होगा इतना अच्छा नहीं होगा, जो ग्रेजुएट होगा उसका भी आंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ होगा क्योंकि वो आदत है ग्रेजुएशन में लिख के चढ़ा के। जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी उनकी ईमेल 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 करने की वजह से उनकी ग्रामर वीक हो गई है। तो आंसर राइटिंग करते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना, आपकी आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग और आपकी वोकैबुलरी ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर ग्रामर की गलती जो है यूपीएससी मेरे को लगता नहीं कि अटेंडेंट करेगा। और एक बात, आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। लेजिबल हैंडराइटिंग का मतलब पता है, जो पहली बार में पढ़ी जा सके, वो हैंडराइटिंग जो पहली बार में पढ़ी जा सके। क्लियर है? क्लियर है सिद्धांत, सिद्धार्थ? ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी लोनिका जी, वेलकम क्लास में। संजीव शर्मा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वंशज शुक्ला, गुंजन रंजन, अंकित कुमार, रेडमी से कोई जुड़े हैं प्लीज अपना नाम चेंज कर दीजिए। सौरभ सैनी जी, वेलकम टू द क्लास, आप पहले भी आ चुके हैं, एक मिनट। पिंटू कुमार है, बसंत मेगा जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कौन पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पूछो। आशुतोष, विक्रम, कोई क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में यूपीएससी को लेके? प्लीज गो अहेड, ये एक सेमिनार लगाया है इसलिए गया है कि आप लोगों के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। हाँ जी गाइज, पैटर्न के बारे, हाँ जी पूछिए, प्लीज पूछिए। बेटा आप अपना आंसर, अपना क्वेश्चन प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए, आप ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा जो है डिस्टॉर्ट हो रही है, आप एक बार टाइप कर दीजिए उसको।
हम पढ़ लेते हैं उसमें ना, आपकी चैट बॉक्स में पढ़ लेते हैं आपका क्वेश्चन। और भी लोगों ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि तेजल ने पूछा है कि आई हैव कंप्लीटेड माय 12th एंड आई वांट टू बिकम आईएएस टू हेल्प पुअर पीपल एंड आई वांट टू नो अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर 12th ग्रेजुएशन इन बीएससी, इट इज़ यूजफुल अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू विद द इंजीनियरिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। देखिए कहाँ पर हैं तेजल जी, आप क्लास में हैं, आप सुन पा रही है मेरे को? तेजल आर यू इन क्लास? आई थिंक उनका नेटवर्क नहीं आते। जल्द यू आर इन क्लास देयर। तो पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, बीएससी आपका, बीएससी में किस चीज में आप बीएससी कर रही हैं? बायोलॉजी है कि नहीं है? ओके, बहुत अच्छी बात है तेजल। बायोलॉजी अगर बीएससी कर रहे हो तो आंख बंद करके यूपीएससी की तैयारी कर लो, ठीक है? क्योंकि आपका जो ऑप्शनल वाला पार्ट है वो बहुत बहुत तेजी से कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका बायोलॉजी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है जो कि बहुत स्कोरिंग है। एंड साथ साथ जो है आप जो है आप अपनी पढ़ाई शुरू करना 12th के बाद, मैं जैसा कि मैंने बताया अभी प्रथम को, आप पहले अपने एनसीईआरटीज को पूरा कवर कीजिए पहले 6-8 महीने के अंदर। एनसीईआरटी जो मैंने बताई थी, अपनी सिविक्स, अपनी ज्योग्राफी, अपनी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और अपना इकोनॉमिक्स, इन तरह की सारी एनसीईआरटीज को कवर कीजिए। सेकेंड ईयर में आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए एंड थर्ड ईयर में अपना पेपर की तैयारी कीजिए, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अमृता सिंह, एनसीईआरटी कैसे करें? टोटल 51 बुक्स कैसे हैं? बेटा एनसीईआरटी के नोट्स हम लोगों के पास बहुत शानदार तरीके से बन चुके हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप बता देना, हम आपको नोट्स जो हैं हम बता देंगे कि आपको हम नोट्स फॉरवर्ड कर देंगे। 51 बुक हैं, मैं मानता हूँ 51 बुक हैं, पर एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो देखो एनसीईआरटी का फायदा क्या होता है कि एनसीईआरटी एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आपको बना के देती है, बहुत अच्छा फाउंडेशन बना के देती है। तो बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें। लेकिन अमृता जी, आप एक बात बताइए, आपका आपकी एज क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने तो शायद बीए कर लिया है, आप तो अगले साल पेपर अपीयर कर रहे होगे, प्लीज रिप्लाई कीजिए। एज अगले साल आप पेपर आप कर रहे हो, अपीयर कर रहे हो अगले साल आप? तो बेटा आपके लिए एनसीईआरटी थोड़ा ना है, आपने तो जो ग्रेजुएशन पढ़ा है तो आपके लिए तो बेसिक बुक से हमें तैयारी करानी पड़ेगी, हमको बेसिक बुक्स का मतलब यह है कि बेसिक नोट से आप तैयारी करेंगे डायरेक्टली, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है इसके अंदर जो है आपका एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, ठीक है? इस तरह के नोट्स होते हैं, हम लोगों के पास भी हैं, अगर आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, ठीक है? इंद्र ऋषि जी, आप क्या पूछ रहे हैं? आप कंप्लीट आप बताइए, क्वेश्चन पूछिए आप। ओके पिंटू कुमार, आई हैव कंप्लीटेड बी इलेक्ट्रॉनिक, शुड आई टेक कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल नहीं होता बेटा, कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल होता ही नहीं है। इंद्र ऋषि, आप जॉब करते हैं, ठीक है? आप इंद्र ऋषि जी, आप पूछिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अमीशा सिंह पूछ रही है कि इकोनॉमिक्स फॉर जीएस, रमेश सिंह 900 पेजेस की बुक है बेटा, 900 पेजेस की बुक कैसे करोगे इकोनॉमिक्स के लिए? ज़्यादा अच्छा है कि बेसिक्स क्लियर करो एनसीईआरटी से, ठीक है? फिर नोट्स हमसे ले लो और उन दोनों को क्लब करके पढ़ लो, उसके बाद जो है न्यूज़पेपर से पूरा कर लो आपका, इसमें आपका एनसीईआरटी हो जाएगा। रमेश सिंह 900 पेजेस की बुक है, आपका बहुत टाइम लग जाएगा उसको होने में, ठीक है? पिंटू कुमार जी, मैंने बता दिया कंप्यूटर साइंस जो होता है ऑप्शन में नहीं होता है, आप कोई और सब्जेक्ट ढूंढिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है? ओके आशुतोष शर्मा जी, आपने मेरे से पूछा है विच इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर ऑप्शनल, बेटा आप अपना बैकग्राउंड बताइए उसके हिसाब से बता पाऊंगा मैं। आशुतोष जी प्लीज। हाँ जी इंद्र ऋषि जी, इंद्राशीष जी आप, मैं आपसे एक बात बताऊंगा, आप आईएएस को जो है अपीयर कर सकते हैं अगर आपकी एज 21 साल से ऊपर है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, तो आप डेफिनेटली आप आईएएस में अप्लाई कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा जी 10 पास क्या बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा मैं, 10 पास? अच्छा 10th पास हैं अभी आप आशुतोष? बेटा अभी आप बहुत यंग हो, ठीक है? पहले 11 12th अच्छे से करो और एनसीईआरटी पूरी करो इस टाइम में, उसके बाद आप 2 साल बाद मेरे से बात करना, बहुत यंग हो अभी आप, ठीक है सर? हाँ जी सर, सर मैं सर बोल रहा हूँ सर, मुझे सिलेबस कर देंगे सर? क्या कह रहे हो आप, कौन बात कर रहे हो सर? यूपीएससी से सिलेबस तुम्हारा सर? सिद्धार्थ यहाँ कोई नहीं रखा था, बोलो ना ना यहाँ नहीं रखा सर। मैं कह रहा हूँ कि सर आप यूपीएससी सिलेबस में मुझे सेंड कर दूंगी, ठीक है? हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे, डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। क्लास खत्म होती है जो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी कल सुबह, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वंशा शुक्ला सर, विच इज द बेस्ट? आई हैव डन 12th इन साइंस एंड नाउ इन डू ए, वुड यू प्लीज हेल्प? यस डेफिनेटली आई कैन हेल्प। वंशज, आपके पास 12th में साइंस में बायो थी कि नहीं थी पहले बताइए आप। वंशज प्लीज आप रिप्लाई कीजिए। मैथ्स एंड मतलब पीसीएम था, और आप अभी बीए कर रहे हो? नहीं बेटा, फिर आप एक काम करो, यू कैन गो फॉर सोशियोलॉजी, यू कैन गो फॉर सोशियोलॉजी वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आपको मल्टीपल जगह पे हेल्प करेगा। ठीक है, यू कैन गो फॉर सोशियोलॉजी। सचिन म्यूट कर लीजिए अपने आपको, ठीक है? जिसके भी बात नहीं हो रही प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ओके, इंदिरा ऋषि जी, आप बैकग्राउंड से हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना क्वेश्चन जो है प्लीज एक बार वॉइस पे आके पूछेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके आपके क्वेश्चन जो है बहुत टूट टूट के आ रहे हैं, तो मैं आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। एक बार अनम्यूट कीजिए और प्लीज क्वेश्चन पूछिए। आशुतोष, अगर आप ले सकते हो तो बायो ले लो, नहीं तो आर्ट्स। ओके ठीक है। सौरभ सैनी पूछे सर, आई हैव वन आउट ऑफ द वे क्वेश्चन, इज द यूपीएससी एग्जाम कुड मेक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ये पापा मेरी क्लास से। अरे यार, ऑब्वियसली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होती है एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि ऑन द, हम कह सकते हैं कि ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट होती है, और बेसिकली टॉप मोस्ट जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली अपॉइंट करती है एनएसए को। हमारे अजीत डोभाल जी, आपको देख लीजिए यार, उनका प्रोफाइल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन आउट ऑफ द वे है, बट बहुत ही अच्छा उमदा क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट इट। ठीक है, किसी का क्वेश्चन छूटा मेरे से क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ वंशज, मैं आपसे बात कर रहा था। वंशज, अगर आपके पास मैथ थी तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप प्लीज एक काम करिए, आप सोशियोलॉजी फोकस कीजिए, क्योंकि आपने बीए तो ले ही लिया है। सोशियोलॉजी फोकस कीजिए, किसी के कहने में आके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को मत लीजिएगा, नॉट इवन ज्योग्राफी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत टाइम लेंगे आपको कवर करने में। ठीक है, हाँ जी गाइस, अगला क्वेश्चन प्लीज। प्रथम आप बीबीए और बीकॉम करें। देखो, बीबीए करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड भी रहेगा और थोड़ी सी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी। बीकॉम में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, प्रथम कितने परसेंट है? माइक म्यूट अनम्यूट करो, बताओ मेरे को। 93.75 तो जान है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा, यहाँ पे क्यों धक्के खा रहा है बीबीए में, जिम्स वगैरह में? कहाँ से बात, रोहिणी से बात कर रहे हो ना? मेरी बात सुनो, देखो जो भी बच्चे जो है जो इस टाइम ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कॉलेज नहीं होता, ये एक माहौल होता है, ये एक एनवायरनमेंट होता है, पहली चीज़। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपकी पर्सनालिटी बना के देती है, वर्ल्ड के बड़े से बड़े कॉलेज जो है बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी बना के नहीं देती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर इन केस नहीं होता देन गो फॉर बीबीए। बीबीए में भी कोशिश करना कि वो ढंग का कॉलेज चूज़ करो, रोहिणी के आसपास के कॉलेज मत चूज़ करना, सारे बेकार हैं, क्राउड कुछ खास अच्छा नहीं है, वहाँ पर माहौल ख़राब है बेसिकली। क्लियर है प्रथम? ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा हमसे पूछा गया है, अंकित कुमार पूछते हैं कि फिलॉसफी। ओके अंकित कुमार जी, प्लीज अपने आपको अनम्यूट कीजिए, सामने आके मेरे से बात करिए एक बार। हाँ बताइए फिलॉसफी। हाँ गुड इवनिंग सर, फिलॉसफी क्यों ले रहे हो? सर मुझे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा, इस तरीके की चीजों के ऊपर थोड़ा सा मतलब अच्छा सब्जेक्ट लगता है ये दर्शन शास्त्र, मतलब किस तरीके से है ना सारे गॉड और इस तरीके की चीजों को जानने में थोड़ा सा दिलचस्पी है, मतलब पूछना चाहता हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट इसे ले सकते हैं क्या, इसमें कितनी दिक्कत नहीं है ग्रेजुएशन की चीज में? पहले बताओ बैकग्राउंड बताओ अपना। सर मैं अभी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा, अम्बेडकर पॉलिटेक्निक ग्वालियर मध्य प्रदेश। कौन सा ट्रेड कौन सा तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। सर अगले साल आप सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे, पहली बात नीट के थ्रू। फिलॉसफी के बारे में छोड़ दो, तुम ऑप्शन के बारे में सोचना ही छोड़ दो पहली चीज। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एग्जाम दोगे, आज से 5 साल 4 साल बाद आप एग्जाम देने वाले, तब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई नहीं जानता। जीएस रिटेन करने वाला है, पर हो सकता है ऑप्शन चला जाए, तो आप इसके पीछे पढ़ के रहे हो। फिलॉसफी अगर वैसे पढ़नी है तो मेरे हिसाब से वैसे वैसे पढ़ लो, जाके रिलीजन को वैसे अलग से स्टडी कर लो,
बट फिलोसफी, बट फिलोसफी के लिए ना देखो, फिलोसफी पढ़ना अच्छी बात है, तुम्हें अगर रिलीजन में इंटरेस्ट है, तुम्हें तो कई तरह की फिलोसफीज में, कांत, रूसो, इमैनुअल कांत, इन तमाम तरह के लोगों को आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत कुछ यस नहीं है, सर पढ़ो इसको, इसको पढ़ो। बट जब ऑप्शनल में अगर लो ना, तो ऑप्शनल में, ऑप्शनल में तभी ले पाओगे जब तुम आज से सीखो, कि फिलोसफी क्या है ना, फिलोसफी रट के हम पेपर नहीं दे सकते हैं, फिलोसफी, फिलोसफी जो यस होता है सर एक अलग चीज़ होती है, बहुत शानदार चीज़ है। अगर आपको लगता है कि रिलीजन पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट गो, और वर्ल्ड के सारे रिलीजन पढ़ो इनफैक्ट, ठीक है, सारे सारे जो सारे फिलोसफर उनको बिल्कुल पढ़ो, आपका लेवल जो है 1-2 साल के अंदर अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर में, नेक्स्ट क्वेश्चन लोनी का, एक क्वेश्चन हाँ और बता। था मेरा कि मतलब जैसे कि अगर ये आप ये पैटर्न चेंज होने वाला है या फिर हाँ नहीं भी हो तो मतलब ऑप्शनल के लिए अगर मैं रखना चाहूँ इसे अगर जैसे इन फ्यूचर अगर ऑप्शनल का देखो, अगर आपके पास ऑप्शन कोई ढंग का मेंटोर हो, ठीक है, ढंग का टीचर हो, ठीक है, जो आपके आपके आंसर्स को चेक हाँ कर सके, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो कि भैया उसने जो चेक करा है वो कमाल का चेक करता है, देन गो फॉर इट, ठीक है, अदरवाइज यू शुड चेंज। फिलोसफी में थोड़े नंबर जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, ओके आपका सर आपका थैंक आपका यू आपका जो वो है ना, आपका जो पाथ है, वो आपका जो पाथ है, वो आपका जो है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोनिका जी, आप सर पूछ रहे हैं पॉलिटी कैन बी टेकन एज एन ऑप्शन, और लोनिका जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, सामने आइए, मेरे से बात कीजिए, लोनिका जी अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा इसमें बहुत अच्छा। लोनिका जी सुन पा रही हैं आप मेरे को, या फिर आप टाइप भी कर सकती हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है प्लीज मुझे बताइए। लोनिका जी, इंद्रेशी जी, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के लिए आपको 3-4 सब्जेक्ट को आपको पहले आपको देखना पड़ेगा, पहले GS 4-6 महीने पढ़ो, उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको आपको इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। सौरभ सैनी जी पूछते हैं, वाई क्राउड सजेस्ट, या क्राउड तो कुछ भी सजेस्ट करेगा बट आपका प्रोफाइल भी तो होना चाहिए। सौरभ सैनी जी कहाँ पर हो, एक बार अपना बैकग्राउंड बताओ मेरे को दोबारा। सौरभ जी सुन पा रहे हो आप, सौरभ जी, सौरभ सैनी सुन पा रहे हो आप मेरे को, अमृता सिंह जी आप हिस्ट्री ले सकती हैं, अगर आप हिस्ट्री को बहुत डेप्थ में पढ़ सकती हैं और मल्टीपल तरीके से पढ़ सकती हैं, क्योंकि हिस्ट्री के पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं, हिस्ट्री में आपको जो है कई सारे व्यूज पढ़ने पड़ते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री होती है, नेशनलिस्ट हिस्ट्री होती है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री होती है, तमाम तरह के राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो आपको इन सभी में जो है एक तरीके से न्यूट्रलिटी लेकर चलना पड़ेगा, तब आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। यस तो सर मैं यही बोलूंगा कि अगर आप हिस्ट्री की जगह अपने आप को स्विच कर दो सोशियोलॉजी पे, तो आपका काम जल्दी और बेहतर तरीके से हो जाएगा, और सोशियोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कई जगहों पे। हिस्ट्री आपका स्ट्रांग है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे हिस्टोरियन तो नहीं बनना, हमें यहाँ पे IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए सबसे तेजी से आप बनोगे वो आप सोशियोलॉजी, आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहेगा, 15 मतलब 45 डेज में तैयार हो जाता है पूरा का पूरा, अगर आप मेरी स्पीड से काम करोगे तो 45 मिनट, 45 डेज आ रहे ना आप। हिस्ट्री के लिए आपको 3 साढ़े 3 महीने से ऊपर टाइम चाहिए, क्योंकि पहले पेपर में 24 या 25 वो हैं टॉपिक्स हैं, और दूसरे पेपर में भी इतना ही है, 50 टॉपिक्स को कवर करने में, अगर आप एक टॉपिक को भी पर डे कवर करती हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो 50 60 दिन तो वो हो गए, 60 दिन और, मतलब मान के चलो 4 महीने आपको चाहिए हिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। इंदिरा ऋषि, सब्जेक्ट की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप एक काम करिए, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए कल फोन पे, मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बार बार में पूछ रहे, तो मैं आंसर करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, तो एक बार में क्वेश्चन आप पूरा एक बार लिख के आप भेज दीजिए, तबियत बढ़िया वाला क्वेश्चन भेज दीजिए, नहीं तो अभी मैं नंबर दूंगा क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको तमाम तरह की चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी हेलो रेखा जी बताइए, हेलो हाँ हाँ जी सर, इफ यू आर लाइक अपेयरिंग इन 2022 और सर अगर PSI और ऑप्शनल का लेने का सोच रहे हैं तो सर उसके ऊपर आपकी सजेशंस, क्योंकि सर PSIR मतलब मैंने जो सोचा है वो GS2 से कवर बात करता आपकी है, बहुत अच्छी बात, मतलब आपका बैकग्राउंड है क्या है, ना सर मेरा BA है और उसमें मेरे पास एक सब्जेक्ट मेरा पॉलिटिकल कहाँ साइंस से है आप बीए, कहाँ और से, हिस्ट्री सर राजस्थान रामजस में, देखो रामजस बीए में आपने हाँ बहुत, जी रामजस अगेन दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक माहौल है, एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, पहली चीज़, तो उसकी पर्सनालिटी को आप जो है खोने मत दीजिए। मेरे पास आज ही एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, मेरे हमारी ऑफलाइन अकेडमी में एक बच्चे ने एडमिशन लिया, गार्गी कॉलेज की बच्ची है वो, एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है वो, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो जैसे जो पढ़ के आ रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स जो होंगे आपके, वो कुछ इस तरह के प्रोफाइल के ही मिलेंगे,
पॉलिटिकल साइंस आपका जो है आपका कोरिलेशन बहुत सही है कि पेपर वन और पेपर टू जो है आपका जीएस टू पूरा प्रिपेयर करा देगा, एथिक्स में आपको हेल्प कर देगा, इससे आपको हेल्प कर देगा, ये मैं मानता हूँ। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो आप पीएसआईआर के साथ ही है ना, उसका पीएस पॉलिटिकल साइंस दिक्कत नहीं है, पेपर टू जो है आईआर वाला वो बहुत डायनामिक है, समझ रहे हो मेगा? पेपर टू जो है वो बहुत डायनामिक है और वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से। तो आपको या तो आपको अपना आईआर का जो है लेवल इतना ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मतलब समझिए कोई भी आईआर, कोई भी इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसको इमिडिएटली आपने क्या किया, उसको इमिडिएटली आपने कैप्चर कर लिया अपने नोट्स के अंदर। तो अगर आप वो पेस मेंटेन कर सकते हो तो आईआर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर वो पेस मेंटेन नहीं कर पाए तो आप सेट है, ठीक है। और एक और चीज बताऊंगा, आईआर में आप एक जगह और फंसोगे, इंटरव्यू में अगर आपके सामने आईआर में वो पूछ लिया उन लोगों ने, क्या बोलते हैं आईआर को, कोई कोई अगर फॉरेन सर्विस का रिटायर्ड ऑफिसर बैठा हुआ मिल गया तो आपको बहुत डेप्थ तक ले जाएगा, कहीं ना कहीं आप टूटोगे जरूर उसके अंदर क्वेश्चंस में। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसकी प्रिकॉशंस लेकर चलो, ठीक है। मैं अभी नंबर शेयर करूंगा, आप भी मेरे से एक बार पर्सनली बात करना कि कैसे इसको हम जो है तरीके से इसको फॉलोअप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, लोनिका जी, आई थिंक पॉलिटिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने मेगा को अभी पॉलिटिकल साइंस में एड्रेस किया है, आप प्लीज मुझे अपना बैकग्राउंड बता देंगे लोनिका जी तो मैं बहुत अच्छे से आपको एड्रेस कर पाऊंगा। लोनिका जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? एक बार प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करके, अपना माइक स्टार्ट करके आप एक बार सामने आइए, मेरे से अपना 1-to-1 पूछिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मुझे अपना बैकग्राउंड। ओके, बीटेक बैकग्राउंड है आपका? नो बेटा, पॉलिटिकल साइंस नो, नॉट एट ऑल। बीटेक किस चीज में आपकी, प्लीज टाइप। बीटेक सीएसई और 12th में बायोलॉजी थी आपके पास? 12th में बायोलॉजी थी, नहीं थी? ओके, बेटा गो फॉर सम माइल्डर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर जो है मैंने बताया कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ही उड़ा हुआ है और आपके जो कॉम्पिटिटर वो मेघा जैसे बच्चे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे जो है बीटेक वाले थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर कम होती है। तो लोनिका जी सिंपल सी बात बोलूंगा, आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट देखिए जो छोटा हो, जो इमीडिएटली कवरेबल हो, गो फॉर सोशियोलॉजी, आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है बेटा। प्रथम बेटा अभी तुम न्यूज़पेपर छोड़ दो, अभी तुम बेसिक्स पे काम करो क्योंकि तुम बहुत बेसिक लेवल, अभी तुम्हारे पास 3 साल है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, मनीष रंजन जी, मनीष पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आईआर जैसे मेगा ने बोला, आईआर के लिए सर कौन सा यूट्यूब चैनल या कौन सा न्यूज़पेपर? इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करो और कुछ नहीं, और पीआईबी फॉलो करो, पीआईबी पता ना क्या होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी हो रही है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल उसके डोमेन के अंदर उसको फॉलो करो, और इंटरनेशनली कोई बड़ी चीज़ हो रही है जैसे कि अभी चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, इन सब चीज़ों का फॉलो करो अपने आप आईआर। हाँ, आईआर में आपको पेस मेंटेन करनी पड़ेगी साथ साथ करंट अफेयर के साथ साथ, अगर नहीं करा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सचिन जी का है, मे आई नो विच सब्जेक्ट नीड टू सेलेक्ट फॉर ऑप्शनल फॉर मोर स्कोर? बेटा साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स अगर आप ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया, जूलॉजी बॉटनी हो गया, ठीक है, इन जो भी साइंस बेस्ड, मैथ्स ऑप्शनल हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जितने भी साइंस बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर जनरली ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका निर्धारित आंसर होता है या 0-1 के बीच में होता है, और जो सोशल स्टडीज होती है वो हमेशा 0-1 के बीच में लाई करती हैं, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है। विक्रम सिंह पूछ रहे हैं कि आई एम फ्रॉम कम्युनिकेशन प्लस लॉ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, सिंस आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ट 3 ईयर्स, आई फील पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज माई ऑप्शनल, वॉट विल यू सजेस्ट, प्लस आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्टेड ऑन। ओके विक्रम सिंह जी, प्लीज एक बार सामने आइए, मैं आपसे 1-to-1 बात करना चाहूंगा, आप हैं क्लास के अंदर? विक्रम जी अनम्यूट कीजिए, प्लीज मेरे से बात कीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, इंडिया में कहाँ पे, कहाँ पोस्टेड हैं आप? सर वो इन कम्युनिकेशन विंग ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आई भी से खुद ही हो, तो अगर आपने लॉ ग्रेजुएशन कर रखी है देन व्हाई यू आर गोइंग फॉर दिस पीएसआईआर, प्लीज एक्सप्लेन। तो सर बेसिकली पॉलिटिकल आइडिया है, लास्ट 3 साल की अपडेट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं जो दिक्कत होगी वो ये होगी कि लॉ ग्रेजुएट होके आपने पॉल साइंस क्यों लिया, आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पहली चीज, लॉ ग्रेजुएट सर, पहली मैं कम्युनिकेशन ग्रेजुएट प्लस कम्युनिकेशन प्रोस्ट ग्रेजुएट, लॉ में आई डिड इट आफ्टर माय ग्रेजुएशन। ठीक है,
देन यू कैन गो फॉर दिस पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, बहुत अच्छा है। मैंने बताया ना पीएसआईआर का जो मैंने सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन ये है बेटा कि हमें क्या करना है, हमें पीएसआईआर के अंदर हमें बस अपनी पेस मेंटेन करनी है विद न्यूज़पेपर। अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हो तो आप जो है अगले 1-2 साल के अंदर आप मुझे फाइनलिस्ट में मिलोगे, जितने बच्चे पीएसआईआर वाले हैं। क्योंकि पीएसआईआर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, सॉरी पीएसआईआर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका जीएस पेपर 2 तैयार हो गया साथ साथ, और जीएस पेपर 2 की किसी बुक से नहीं आ रहा। आप 4-5 साल को उठा के पेपर देखो, पूरा पूरा न्यूज पेपर से उठ के आ रहा है पेपर, ये बात समझ रहे हो आप? तो जीएस पेपर 2 तैयार होगा, आपने पीएसआईआर पढ़ लिया, 750 नंबर आपके वो प्रिपेयर हो गए, प्लस आपको एथिक्स में हेल्प करेगा, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो आपको एथिक्स में हेल्प करेगा, आपको एसए में काम देगा। तो मान के चलिए कि जब जैसे आप पीएसआईआर ढंग से तैयार कर लेते हो, आपके 1750 में से जो कि मेंस एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स है, 900 नंबर प्रिपेयर हो गए आपके, बाकी आपको बचा ही कितना काम ही कितना करना है। तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट प्रोवाइडेड यू शुड मेंटेन द पेस। और पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, देख के जाने ही पड़ेंगे। आंसर राइटिंग इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग है, आंसर राइटिंग गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग हियर। सो हैव आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन? आपने एक और चीज पूछी, थैंक यू सर। वर्किंग प्रोफेशनल की टाइमिंग क्या रहती है आपके ऑफिस की, कितने दिन का टाइम रहता है सर? सोशल मीडिया का काम है, कोई टाइम नहीं है। आप उसकी डिजिटल मार्केटिंग में, आप उसकी पीआईबी की, पीआईबी को भी जरूरत है सोशल मीडिया सर? वी हैंडल देयर सोशल मीडिया, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बट दे नीड समवन टू एड्रेस। हां वो पोस्ट, वो जो जो वो बनाते हैं इंफोग्राफ्स बनाते हैं, वो सब चीजें ना ना, ओवरऑल ओवरऑल ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यू आर अ थर्ड पार्टी वेंडर? आई एम ऑन अ पेरोल ऑफ वन पीएसयू। देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको जो है टाइम निकालना पड़ेगा। पेपर अगर आप 2021 में अपने टारगेट कर रहे हो तो आपको 4 से 6 घंटे मेरे हिसाब से देने, आपको लगता है कि देने पड़ेंगे 2021 में, या नहीं यार 8 घंटे आपके देने पड़ेंगे। 8 घंटे कैसे निकालोगे? नोएडा से ही काम कर रहे हो कि ऑफिस जाना पड़ता है? कभी कभी जाना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जाना पड़ता है। आप मुझसे कल कल या परसों में कॉन्टेक्ट करो, हम इसको ना बैठ कर सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? आई विल एड्रेस योर डिस्कशन आल्सो, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, हाँ जी, हु इज दिस? सचिन, हाँ बताइए बेटा। हाँ सर, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रिपीट होते हैं क्या, मेंस की अगर हम बात करें या पर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में रिपीटेशन नहीं होती है। जैसे लिटरेचर के सब्जेक्ट में रिपीटेशन हमें बहुत देखने को मिलती है, एंथ्रोपोलॉजी में देखने को मिलती है, सोशियोलॉजी में देखने को मिलती है, बट अगर हम आगे बात करें कि पीएसआईआर में, पीएसआईआर में पूरा हमेशा 100% न्यू क्वेश्चन पेपर होता है। क्लियर? दो बार पूछ लेंगे, पर पीएसआर में इतना बड़ा डोमेन है कि आप एक ही चीज की 5 अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं, तो इसलिए वो जो क्वेश्चन के बनने के जो निशे होते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे बड़े बड़े सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है? बहुत बहुत तेजी से चेंज होता है, डायनेमिक रहता है, ठीक है? सिद्धार्थ पूछ रहे हैं हाउ टू मेक न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाए। बेटा पहली बात, न्यूज़ को फिल्टर करो, कौन सी रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, इसके लिए सिद्धार्थ मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है? देखो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब न्यूज में कैसे काम करना है, न्यूज में काम करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली बात आपको फिल्टर करनी पड़ेगी कौन सी न्यूज पढ़नी है कौन सी न्यूज नहीं पढ़नी है। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, ठीक है? और पहले इस चीज का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जो है अपने आप फिल्टर करना शुरू करो। और पॉइंटर में देखो, कोई भी क्वेश्चन जीएस का आएगा उसमें 150 या 250 वर्ड से ऊपर का नहीं आएगा, तो किसी भी टॉपिक पे हमें 250 से 300 वर्ड के ऊपर नहीं चाहिए होते, पहली चीज, ठीक है? एडिटोरियल्स के अंदर हमें कंटेंट मिलता है, हमें कंटेंट मिलता है ऐसे राइटिंग का, बहुत ज्यादा कंटेंट मिलता है ऐसे राइटिंग का, तो ऐसे राइटिंग पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है? तो हम जो है जो एडिटोरियल काम के उसके उसके पॉइंटर बनाकर रख लेंगे, और उन पॉइंटर्स को हम अपने फाइनली अपने आंसर में करेंगे, ठीक है? लोनिका जी, आई थिंक मैंने आपको एड्रेस कर दिया है, एड्रेस नहीं किया गया, पॉलिटिकल साइंस मैंने कर दिया, मैंने आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल बोला है, आप ज्यादा बेहतर तरीके। आप कहाँ से हैं लोनिका जी, वैसे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप सोशियोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, कंप्यूटर साइंस वाले हो, बहुत तेजी से समझोगे इस चीज को, ठीक है? और अच्छा आंसर लिख पाओगे बेसिकली, पॉलिटिकल साइंस में आपको 4-6 महीने लग जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है? अगला सवाल है आदित्य अभी मेहरा का, सर मैथ्स ऑप्शनल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आदित्य, आदित्य कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से जुड़े हो आप? सर बिहार से सर,
सर बिहार से सर पटना जिला। क्या क्या किए हो आपने, क्या किया हुआ इसके अंदर, मतलब ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ? सर 12 पास कर लिया सर, बीएससी पार्ट 1 में सर। तो साथ 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 yes, साथ मैथ्स के जो पुराने क्वेश्चन जो आते रहते हैं आ रहे हैं ना आपके साथ साथ जो जो आ रहे हैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैथ्स से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत नंबर भर के देता है, बहुत अच्छे नंबर देता है। हम सर सोचे आई थिंक सर कि मैथ में अगर सर पूरा का पूरा बढ़ा ले तो पूरा टोटली नंबर हमको दे देता है सर। इतना इतना ज्यादा नंबर आया था कि स्केलिंग करके नीचे भी करना पड़ता है। ठीक है रिचा जी, आप पूछ रहे हैं आप कैसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा हमारा कोर्स जो है बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, गाइडेंस प्रोग्राम का भी, लाइव क्लास का भी और ऑफलाइन प्रोग्राम का भी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स आ जाएं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं अभी नंबर्स प्रोवाइड करूंगा, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, हमारी जो टीम है आपको सारी डिटेल्स जो बता देंगी। और हमारे पास बहुत लिमिटेड बच्चों को ही हम लेते हैं हर साल, तो अगर आपको करना है तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है ओके। बसंत चौहान जी पूछ रहे हैं हिस्ट्री वैसे प्रिपेयर करें। भैया हिस्ट्री के लिए पेपर वन के लिए, पेपर वन में आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया। पेपर टू में मिलेगा मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे पहले एनसीईआरटी शुड बी द बेस। सेकंडली एंशियंट इंडिया के लिए आप आर्य शर्मा को, आर्य शर्मा की जो बुक है इंडियन एंशियंट पास्ट को पढ़ सकते हो। मिडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्रा की दो बुक्स आती हैं उनको पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। मॉडर्न इंडिया के लिए आप सुमित सरकार जैसी बुक को रेफर कर सकते हो, आप बिपिन चंद्रा जैसी बुक को रेफर कर सकते हो और जैसे बुक को रेफर कर सकते हो। रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए दो शानदार किताबें हैं, नॉर्मन लोवे की किताब एक है और एक है आपकी जैनन माथुर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मन लोवे को ना पढ़ें, आप जैनन माथुर को पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है सर, माय फ्रेंड कनिष्का, माय फ्रेंड इज अंडर गाइडेंस सर, शी शेड लिंक, आई वुड लाइक टू। कनिष्का जी आप ज्वाइन करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो फ्रेंड हैं गाइडेंस में जो है उन्होंने हमसे गाइडेंस ली है, तभी शायद आप भी हमें ज्वाइन करना चाहती है। मोस्ट वेलकम। लोनिका जी गुड़गांव में कहाँ से बात कर रही हैं आप, क्योंकि गुड़गांव में काफ़ी हमारे बच्चे रहते हैं। बेटा तेजल जी अगर आप लैंग्वेज की बात करो तो मैं बोलूँगा प्रेफर कीजिएगा इंग्लिश, अगर इंग्लिश थोड़ी टूटी फूटी है या फिर ग्रामर में वीकनेस है तो काइंडली उसको करेक्ट कर लीजिए। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है इस टाइम पर। बेटा माइक म्यूट करो, अपना माइक म्यूट करिए प्लीज़ आप लोग। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन जी, प्लीज सजेस्ट मी सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन बीएस। सचिन जी आप ग्रेजुएशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो बेसिकली कुछ सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट देखिए, अगर आप ले सकते हो तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है सेक्टर 50 से बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है लोनिका जी। हाँ जी बताइए सर, सम पीपल सजेस्ट दैट बीए इज गुड फॉर यूपीएससी। यार सम कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि राफेल इंडिया के लिए ठीक नहीं था, लोगों ने बात मानी क्या? यूपीएससी बेटा एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे हर तरह का बच्चा जो ग्रेजुएट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई कार्डियो, चाहे उसने कोई सब्सिडरी कोर्स कर रखा है, चाहे वो बीए से आ रहा है, हर एक के लिए जगह है यहाँ पे सर। जीएस में हर एक के लिए जगह है यहाँ पे। एक बीए वाले को भी साइंस पढ़नी पड़ती है और एक साइंस वाले को बीए पढ़नी पड़ती है, तो ये कोई कैसे कह सकता है कि बीए इज़ गुड? सोशल स्टडीज डोमिनेट करती है मानता हूँ मैं, पर जो नंबर आपके खींच के लाते हैं वो तो आपके मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट और आपके जो ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट है वही खींच के लाते हैं ना, तो आप इतनी दिखाओ पहना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। ठीक है सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। ठीक है सर प्लीज गिव यू नंबर। आदित्य जी मैं भी आपको नंबर भेज रहा हूँ। ओके लोनिका जी, हाँ जी मैं नंबर भेज रहा हूँ सबको। तेजल जी मराठी ऑप्शनल अवेलेबल, यस मराठी ऑप्शनल इज अवेलेबल। अगर मराठी ऑप्शन मराठी एज अ मराठी लिटरेचर वुड बी द ऑप्शनल, बहुत अच्छी चीज़ है तेजल, आप ज्वाइन कर सकते हो। आई वांट टू ज्वाइन लोनिका जी, मोस्ट वेलकम। मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ गाइस, दो नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप दोनों, आप एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है और एक मेरा ऑफिस का नंबर है, ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है आपको, आप लोगों को नंबर मिल गया, सभी लोगों को नंबर मिल गया, आप सभी लोगों को नंबर मिल गया आप सभी लोगों को नंबर मिल गया। मैंने अभी चैट में डाला है बेटा, मिला सर नंबर, मैं फिर से डाल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है और ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप दोनों नंबर आप ले लीजिए, मैं नंबर डिक्टेट भी कर देता हूँ, नंबर आप लिख सकते हैं 9899781744, नंबर लिख लीजिए आप 9899781744 9899781744।
और दूसरा है 8851330108। नंबर मिल गया आप सभी को। हम लोग अपना नया बैच शुरू करने वाले हैं, गाइडेंस का भी, ऑनलाइन लाइव क्लास का भी और ऑफलाइन का भी। बहुत जल्दी ऑफलाइन का तभी शुरू कर पाएंगे जब हम लोग नोटिफिकेशन हम लोगों को होम मिनिस्ट्री से आ जाएगा। बट हम लोग दो 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 बैच शुरू करना चाहते हैं। अमीशा जी नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9899781744। अगेन आई एम टाइपिंग हेयर, मैं नंबर मैं दोबारा आप लोगों को भेज देता हूँ, एक बार रुकी है। 781 नंबर अभी मैं आप टाइप अपना अपना चैट बॉक्स देखिए, चैट बॉक्स में सबको नंबर आ रहा है एक साथ। अच्छा एक मिनट ठहरिए, मैं एक ही एक मिनट ठहरिए, अभी आ जाएगा नंबर। नंबर आ गया सबके पास, मैं खाली तेज क्लियर हो गया। yes, नंबर आ गया सबके पास, ठीक है। आप इन नंबरों पे से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कल शाम तक या परसों तक हमें फॉर्म हमें कॉल कर सकता है। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, और कोई क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का जो मैं एड्रेस कर सकता हूँ प्लीज बताइए मेरे को। हाँ जी हाँ जी, आप प्लीज अपना वो बताइए। आप कोई क्वेश्चन है आप लोगों का बचा हुआ जो मैं आपको एड्रेस कर सकता हूँ? अरे कुछ तो बोल दो यार। यस सर, सर मेरा मैथ जो ऑप्शनल है सर, वो मतलब कि आगे के लिए ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा, आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मैथ्स में जितना हाथ अच्छा रहेगा उतना अच्छे नंबर आते हैं। सर मतलब जीएस 1 से लेकर 4 तक का जो प्रिपरेशन कैसे मतलब करना है मैम, कैसे सर शेड्यूल से करना थोड़ा बता सकते हैं? पहले आप थे नहीं क्या क्लास के अंदर? नहीं सर, हम खोर लेट से सर ऑनलाइन है सर। मैं अभी ये जो वीडियो है इसकी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, आप थोड़ा सा बैठ कर देख लेना, उसको आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैंने पे और कोई सवाल, सिद्धार्थ कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? हाथ रेस कर रखा आपने, बताओ। गुंजन रंजन कोई क्वेश्चन है आपके पास? गुंजन रंजन जी कोई क्वेश्चन है आपके पास? आकांक्षा गुप्ता जी कोई क्वेश्चन है आपके पास? मेघा एनी मोर क्वेश्चंस? अमीशा सिंह जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? हाँ बताइए प्लीज। हाँ जी प्लीज बताइए, कोई क्वेश्चन है आपके पास? निखिल गुप्ता जी कोई क्वेश्चन है आपके पास यूपीएससी को लेके? सो आई थिंक गाइस मैंने आप सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं अगेन नंबर में आपको भेज रहा हूँ, आप नंबर एक बार फिर से आप देख लीजिए, आप मुझसे जुड़ सकते हैं इन नंबरों पे और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग किसी भी तरह की यूपीएससी गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो आई एम टर्निंग ऑफ दिस सेमिनार नाउ, आई एम टर्निंग ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओके टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन।